कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस कांग्रेस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। हालांकि इस पार्टी के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद तो केंद्र में देश के ज़्यादातर राज्यों में भी और आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में भी तो कांग्रेस पार्टी ही यहाँ लंबे अरसे तक सत्ता में रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में ना तो यहाँ गरीबी दूर हुई, ना बेरोजगारी दूर हुई, ना हमारे किसान लोग हमें खुशहाल नजर आए और ना ही अन्य मेहनतकश लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, जब कांग्रेस पार्टी के राज में आप लोगों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले यहाँ के उत्तर प्रदेश में, तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से यहाँ गरीब और बेरोजगार लोगों को अपने रोटी रोजी के लिए आप लोगों को उत्तर प्रदेश छोड़कर देश के बड़े बड़े महानगरों में जाना पड़ा। आपके जौनपुर जिले के लोगों को भी रोटी रोजी के लिए तो बड़े बड़े महानगरों में जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में खासकर इस देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो जिंदगी के हर पहलू में कानूनी अधिकार दिए थे, तो उनका भी पूरा लाभ इन वर्गों के लोगों को नहीं मिल पाया। और इतना ही नहीं, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज़ाद भारत में पहली सरकार में कानून मंत्री बने थे और जब उन्होंने ये महसूस किया कांग्रेस की हुकूमत ने कि जो मैंने अपने लोगों को कानूनी अधिकार दिए हैं उसका लाभ मेरे लोगों को बराबर नहीं मिल पा रहा है, तो तब फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों के हितों में अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पूरे देश के खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, गरीबों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, अकलियतों को उन्होंने ये कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि मैंने भारतीय संविधान में तो आपको कानूनी अधिकार दिला दिए हैं, लेकिन आप लोगों को कानूनी अधिकारों का लाभ जब तक नहीं मिल पाएगा तब तक आप लोगों के हाथों में केंद्र और राज्यों की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी नहीं आ जाती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को ये सलाह दी थी। और इतना ही नहीं, इसके लिए बाबा साहब ने ये कहा था कि आप लोगों को फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी खुद बनानी होगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के मुताबिक चल करे तो फिर हमने 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का भी गठन हुआ, ये पार्टियां भी सामने आई। और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आप लोगों ने काफ़ी मौका दिया केंद्र में और राज्यों में भी और आपके उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने वायदों के मुताबिक खड़ी नहीं उतरी। तब जाकर फिर हमें ये अपनी अलग से पार्टी बनानी पड़ी। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण संप्रदाय, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं। और इसकी मुख्य वजह ये है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले
लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्ग एवं अन्य मेहनत कश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी